नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक गुरु ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज आप लोगों को स्निपिंग टूल के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्निपिंग टूल में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्निपिंग टूल को स्टार्ट करना तथा बंद करना, स्निपिंग टूल के इंटरफेस या स्निपिंग टूल विंडो पार्ट्स के बारे में, स्निपिंग टूल से फुल स्क्रीन स्निप, विंडो स्निप और सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना, स्निपिंग टूल में डिले और कॉपी ऑप्शन का यूज़ करना, स्क्रीनशॉट में पेन, हाइलाइटर और रबर का यूज करना, स्निपिंग टूल में स्क्रीनशॉट को सेव करना। तो चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं। स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल की सहायता से हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में जो स्क्रीन दिखाई दे रहा हो उसका स्क्रीन कैप्चर करके अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टूल से आप चाहें तो फुल स्क्रीनशॉट, विंडो एरिया या तो सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट को एडिट करने के लिए पेन और हाइलाइटर आदि ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप किसी स्क्रीनशॉट के कंटेंट को अंडरलाइन और हाईलाइट भी कर सकते हैं। और यह माइक्रोसॉफ्ट का अपना एप्लीकेशन है, इसलिए यह टूल माइक्रोसॉफ्ट के विंडो 7, विंडो 8 तथा विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही मिलती है। अब आइए हम लोग स्निपिंग टूल को स्टार्ट करने के बारे में जानते हैं। स्निपिंग टूल को स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। आइए हम लोग स्निपिंग टूल को स्टार्ट करने के कुछ तरीके के बारे में जानते हैं। क्योंकि स्निपिंग टूल आपको विंडोज़ में पहले से मिल जाती है, इसलिए यह विंडोज़ एसेसरीज में आपको मिलेगी। इसके लिए आपको स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे आपको विंडोज़ एसेसरीज में जाना है। विंडोज़ एसेसरीज में जाने के लिए आप किसी भी लेटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे लेटर नज़र आएगी। मैं यहाँ पे W ऑप्शन ले लेता हूँ, क्योंकि W लेने पर हमको W से सारे प्रोग्राम्स और सारे फोल्डर्स नज़र आएंगे जो W लेटर से शुरू होती है। मैं यहाँ पे W लेटर से विंडोज़ एसेसरीज दिखाई दे रही है, मैं इसमें जा कर के स्निपिंग टूल लूँगा। यहाँ पे आप इसे क्लिक करके चालू कर सकते हैं, या तो आप इसे स्टार्ट मेनू में पिन कर लेंगे, ताकि अब जब भी दोबारा स्टार्ट मेनू में आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके ही तुरंत स्टार्ट मेनू में आप ले सकते हैं स्निपिंग टूल को। या तो फिर आप इसे टास्क बार में भी पिन कर सकते हैं। टास्क बार में पिन करने के लिए आप यहां से भी इसे ड्रैग करेंगे और यहां पे टास्क बार में पिन हो जाएगी। इस तरह आप टास्क बार से भी स्निपिंग टूल को भी तुरंत ही चालू कर सकते हैं, या तो फिर इसे आप डेस्कटॉप में शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक करके डेस्कटॉप में ड्रैग करेंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप में शॉर्टकट बन जाएगी। आप इस शॉर्टकट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और उस पर डबल क्लिक करके भी इस स्निपिंग टूल को चालू कर सकते हैं। मैं इसे बंद कर लेता हूं और दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका, आप लोग इसे सर्च करके भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडो एस दबाना है और सर्च विंडो आएगी, यहां पे आपको स्निपिंग लिखना है। मैं लिख लेता हूं, मैंने स्निपिंग लिख लिया है। यहां पे आपको स्निपिंग नज़र आ रही है, स्निपिंग टूल। मैं इसे क्लिक करके चालू कर लेता हूं, या तो फिर आप इंटर भी कर सकते हैं। मैं अभी क्लिक कर लेता हूं, तो ये स्निपिंग टूल इस तरह से आपको वापस चालू हो जाएगी। मैं इसे दोबारा बंद कर लेता हूं। और एक और शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको रन कमांड का यूज़ करना है। रन कमांड का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको विंडो प्लस आर दबाना है और यहाँ पे आपको रन का डायलॉग बॉक्स नजर आएगी। रन के डायलॉग बॉक्स में आपको ओपन के जगह पे स्निपिंग टूल लिखना है। ध्यान रखें, या कैपिटल या स्मॉल जिस भी लेटर में लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जब भी लिखेंगे स्निपिंग टूल तो अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे स्निपिंग टूल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग स्निपिंग टूल चालू कर लेते हैं। अब आइए हम लोग स्निपिंग टूल के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। स्निपिंग टूल के इंटरफेस में सबसे ऊपर हमें टाइटल बार मिल जाती है। टाइटल बार के दाहिने ओर देखें तो हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन मिल जाती है। इन तीनों को एक साथ हम लोग कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। हालाँकि यहाँ पर मैक्सिमाइज का बटन वर्क नहीं होता है, लेकिन अब जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमाइज़ का बटन भी वर्क होगा। मिनिमाइज का बटन हमें यहाँ पे स्निपिंग टूल को टास्क बार में छिपाने के लिए यूज़ करते हैं, और वापस लाना हो तो यहाँ पे क्लिक करके वापस इसे ला सकते हैं। मैक्सिमाइज का बटन यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के लिए होता है, और यहाँ पे क्लोज बटन स्निपिंग टूल को बंद करने के लिए होता है। इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि न्यू स्निप का, स्निपिंग मोड का, डिले ऑप्शन का और कैंसल स्निपिंग का। यहाँ पे आपको ऑप्शन और अधिक चाहिए तो मोर ऑप्शन में जाके और भी अधिक ऑप्शन ले सकते हैं। इसके नीचे देखें तो आपको यहाँ पे
इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट मिल जाती है जहाँ से आपको यह जानकारी मिलती है कि स्निपिंग टूल का यूज़ किस प्रकार से करना है। इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे स्निपिंग टूल इज़ मूविंग करके एक मैसेज मिल जाता है। अगर आप इस मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि ये स्निपिंग टूल जो है आने वाले विंडोज़ अपडेट में यह स्निपिंग टूल हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसके जगह पर आपको पहले से ही विंडोज़ में एक नया टूल मिलता है विंडोज़ 10 में स्निप एंड स्केच नाम से। आप इस ट्राई बटन के द्वारा उसे देख सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसके लिए भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूं। कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं इसे बंद कर लेता हूं। अब आइए हम लोग यहाँ पर न्यू स्निप ले लेते हैं ताकि एक स्क्रीनशॉट आ जाए हमारे पास और यहाँ पर अगला इंटरफेस के बारे में फिर जानेंगे। तो हमने यहाँ पर न्यू स्निप इतना एरिया को ले लिया है सिलेक्ट करके। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा इतना एरिया स्क्रीनशॉट इस तरह से आ जाएगी। और यहाँ पे आप इस बार देखेंगे तो मैक्सिमाइज़ का भी बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसे करके फुल स्क्रीन ले सकते हैं और वापस इसे रिस्टोर डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल बार के नीचे भी आपको यहाँ पे मेन्यू दिखाई देगी, मेन्यू बार जैसे फाइल, एडिट, टूल्स और हेल्प, इस तरह से आपको मेन्यू बार भी यहाँ से मिल जाएगी। और नीचे आपको कुछ और अधिक ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर जहाँ से आप और भी अधिक वर्क कर सकते हो। उसके नीचे देखें तो ये स्क्रीन शॉट है। उसके नीचे आपको यहाँ पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने स्क्रीन शॉट को इस तरह से देख सकते हैं अगर ज़्यादा स्क्रीन शॉट आप लिए हैं बड़ा। तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार भी मिल जाएगी, यहाँ से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर और नीचे इस तरह से। अब आइए हम लोग स्क्रीन शॉट करने के अलग अलग तरीके के बारे में जानते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे स्निपिंग मोड में और यहाँ पर अभी हम लोग विंडोज स्निपिंग मोड ले लेते हैं और एक प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं ताकि हम उस विंडो को स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट में जाऊँगा और यहाँ पे वर्डपेड ओपन कर लूँगा और वर्डपेड को अभी हम लोग यहाँ पे स्निप करते हैं। स्निप करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिल जाता है या तो फिर आप फाइल में जाके न्यू ले सकते हैं या कंट्रोल एन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी न्यू लेता हूँ फाइल में से और जैसे ही न्यू लेंगे आप इस तरह से पूरा स्क्रीन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर इस तरह से आएंगे अगर वर्डपेड में तो वर्डपेड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आप टास्क बार में जाएंगे तो टास्क बार का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी यहां पे वर्डपेड विंडो को ले लेता हूं, इस पर क्लिक करूँगा तो वर्डपेड विंडो इस तरह से हमारा स्क्रीनशॉट करके आ जाएगी इस तरह से। और यदि आपको टास्क बार चाहिए तो वापस आप जाएंगे न्यू में और यहाँ पर आप ले लेंगे इस बार टास्क बार एरिया को इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार का एरिया इस तरह से आपके पास स्क्रीनशॉट होकर आ जाएगी। अब हम लोग यहां से वापस ले लेते हैं रेक्टेंगुलर मोड और रेक्टेंगुलर मोड लेने के बाद हम यहां पे न्यू लेते हैं और आपको अब जितना एरिया चाहिए उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे वर्डपेड डॉक्यूमेंट का इतना एरिया चाहिए तो मैं इतना ले लूँगा और इस तरह से वर्डपेड डॉक्यूमेंट का इतना एरिया आ जाएगी स्क्रीनशॉट होकर के। अब मैं वापस स्निपिंग मोड में जाऊँगा और यहाँ पर इस बार मैं फ्री फ्रॉम स्निपिंग मोड ले लूँगा और यहाँ पर न्यू स्निपिंग वापस मैं करूँगा और अब जितना एरिया चाहिए उतना एरिया को मैं घेर लूँगा। जैसे कि अब मुझे इतना एरिया चाहिए तो मैं इतना घेर लूँगा और इतना एरिया हमारे पास देख पा रहे हैं कि स्क्रीनशॉट होकर आ गई है। तो इस तरह से सिलेक्टेड एरिया का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिले ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट में डिले चाहिए तो यहाँ पर डिले ऑप्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे 2 सेकंड का डिले चाहिए तो मैं 2 सेकंड ले लूँगा और यहाँ से जो भी आपको मोड लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है, फ्री लेना है, वो ले सकते हैं। मैं वापस यहाँ पे रेक्टेंगुलर मोड ले लेता हूँ और यहाँ पे न्यू स्निप फिर से करते हैं और अब थोड़ा डिले होकर के आ रही है, देख पा रहे हैं आप। अब जितना चाहिए उतना फिर से आप ले सकते हैं इस तरह से। अब मैं ले लेता हूँ इतना एरिया तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि वापस इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डिले थोड़ा देर बाद आएगी जितना आप यहाँ पे डिले सेट करते हैं, अधिकतम यहाँ पे 5 सेकंड का डिले आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ पे सेव ऑप्शन और कॉपी ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अभी हम कॉपी करके देख लेते हैं। कॉपी पर हम यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे या तो फिर आप एडिट में जाके भी कॉपी ले सकते हैं या तो फिर कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉपी कर लेते हैं आपका ये जो स्क्रीनशॉट है वो कॉपी हो जाएगी और जहाँ चाहते हैं उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्डपेड में इसे पेस्ट करना चाहता हूँ तो वर्डपेड यहाँ पे मेरा ओपन था पहले से, मैं यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन लूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वही स्क्रीनशॉट जैसे कि अभी हमने स्निपिंग टूल में लिया था वही वाला यहाँ पर भी आ चुकी है। तो इस तरह से कॉपी वहाँ से करके यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं।
वापस मैं स्निपिंग टूल में जाऊंगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड स्निप का। इसके द्वारा आप अपने स्क्रीन शॉट को ईमेल में भेज सकते हैं। यह ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में भी मिल जाता है। अगर फाइल में लेते हैं सेंड टू, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, ईमेल रिसिपिएंट और एक अटैच मोड में जोड़ने का। मैं यहाँ पे ईमेल रिसिपिएंट मोड में क्लिक करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेल में अटैच हो जाएगी ये फाइल। अब मैं इसे बंद कर लेता हूँ। सेंड इन ईमेल का ऑप्शन तभी वर्क होता है जब आपका आउटलुक सर्विस यहाँ पे एक्टिवेट होगी, तब ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको पेन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब पेन लेते हैं तो इस प्रकार से अपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया है उसमें से अंडरलाइन दे सकते हैं या फिर घेरा लगा सकते हैं। और यहाँ पे पेन का कलर भी आपको मिल जाता है, जो भी आप कलर लेना चाहें। जैसे कि मैं ब्लू अभी लेता हूँ, तो ये ब्लू कलर से आप इस तरह से घेरा लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो कस्टम पेन भी मिल जाता है। अगर कस्टम पेन लेते हैं तो आप पेन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कस्टमाइज़ में जा कर के। जैसे मैं कस्टमाइज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे कलर आपको मिल जाता है पेन का, जो भी आपको कलर लेना है। जैसे मैं अभी ग्रीन कलर लेता हूँ तो ग्रीन ले लेता हूँ। और यहाँ पे पेन का थिकनेस भी बदल सकते हैं, जितना आपको थिकनेस लेना है। मैं अभी अधिक से अधिक थिकनेस ले लेता हूँ। और यहाँ पे टिप मिल जाता है, जिस टाइप से आपको लेना है, चेसल टिप या फिर राउंड टिप। मैं राउंड अभी ले लेता हूँ। ओके करके अब मैं यहाँ पे देखूँगा कहीं पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थिकनेस बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से आप घेरा भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो आप इसे मिटा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको रबर मिल जाता है, रबर के द्वारा आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से मिट जाएगी, या क्लिक करके खींचते हैं तो भी मिट जाएगी। इस तरह से एक एक लाइन मिटा सकते हैं। और आपको अब यहाँ पे हाइलाइटर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर हाइलाइटर लेते हैं तो आप अपने स्क्रीनशॉट में जो भी है टेक्स्ट अगर है तो उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, या तो फिर जो भी आप एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं इस तरह से क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं। ये सब सारे ऑप्शन आपको टूल्स में जाकर के भी मिल जाएंगे। टूल मेन्यू में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको पेन मिल जाता है, यहाँ पे हाइलाइटर और यहाँ से रबर मिल जाता है। यहाँ से भी आप ऑप्शन को लेकर के, जैसे हाईलाइटर को मैं मिटाना चाहूँगा तो ये इस तरह से मिटा लूँगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको टूल्स में भी मिल जाएंगे। टूल्स में यहाँ पे जाएंगे तो और ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सेक्शन वाइज ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि हाइड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, अगर आप इसे लेते हैं यहाँ पे टिक कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। मैं इसे बंद कर लेता हूँ और दोबारा ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नो कर लिया, सेव नहीं किया, और मैं दोबारा स्निपिंग टूल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन हमको नहीं दिखाई दे रही है। ये ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएगी। ऑप्शन से मैं वापस इसे शो कर लेता हूं, तो ये देखिए अब दोबारा इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन को यहां पे हाइड और शो कर सकते हैं। यहां पर नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे टिक कर लेते हैं, जैसे कि रेड कलर मेरा है अभी, यहां पे रेड कलर ही मैं लेता हूं और यहां पे मैं इसे टिक कर लेता हूँ। अब मैं जब भी स्क्रीन शॉट करूँगा, मेरा मोड अभी स्क्रीन शॉट का रेक्टेंगुलर है, और यहाँ से आप फुल भी ले सकते हैं, फुल यहाँ पर भी मिल जाता है। तो मैं रेक्टेंगुलर ही लेता हूँ, और रेक्टेंगुलर लेकर के मैं इतना एरिया जैसे ही लूँगा, आप इस बार देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका स्क्रीनशॉट आया है वो बॉर्डर इसमें लग के आया हुआ है, क्योंकि आपने ऑप्शन लिया था शो सिलेक्शन इंक आफ्टर स्निप आर कैप्चर्ड। इस कारण से ये आपका रेड बॉर्डर आ चुकी है। अगर आप दूसरा कलर का बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। जैसे चलिए मैं अभी यहाँ पे एक दूसरा बॉर्डर चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू बॉर्डर ले लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं न्यू स्निप करूंगा, और यहाँ पे मैं चलिए इतना एरिया ले लेता हूँ, वाइट एरिया ही लेता हूँ ताकि हमको समझ में आए ब्लू एरिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू एरिया यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी बॉर्डर में। तो इस तरह से हम लोग स्निपिंग टूल में ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है शो स्क्रीन ओवरले व्हेन स्निपिंग टूल इज एक्टिव। अगर आप इसे अनटिक कर देते हैं और ओके करेंगे, अब जब नया स्निप यहाँ पे लेंगे आप, तो आपका इस तरह से जो वाइट हो रही थी वो अब वाइट नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से अब मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब देख पा रहे हैं वो एरिया बिना वाइट हुए ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पे वो ऑप्शन हम लोग एक्टिवेट रखते हैं ताकि हमको पता चले मैं अभी स्क्रीनशॉट लेने के मोड में हूँ। तो इस तरह से इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे हम लोग, और अब जब स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो आपको इस तरह से वाइट एरिया भी नज़र आएगी। और यहाँ पर आपको आखिरी में एक और ऑप्शन मिल जाता है, एडिट विथ पेंट 3D। अगर आप इसे लेते हैं तो यहाँ पे पेंट 3D में ये स्क्रीनशॉट चला जाएगा और वहाँ पर एडिट आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पेंट 3D में ये ओपन हो चुकी है, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं पेंट 3D में।
पेंट 3D एक्चुअली पुराने पेंट से एडवांस ये थोड़ा काम करता है, इसमें आप 3D वर्क कर सकते हैं। मैं इसे अभी बंद कर लेता हूँ और डोंट सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन भी मिल जाता है, सेव ऑप्शन पर लेकर के अपने स्क्रीन शॉट को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको फाइल में भी जाकर के सेव अस ऑप्शन मिल जाता है, या कंट्रोल एस करेंगे तो भी वहाँ से आप सेव अस ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर सेव अस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से सेव अस का डायलॉग बॉक्स आएगी और यहाँ पर आप अपने लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। मैं अभी डेस्कटॉप ले लेता हूँ और डेस्कटॉप में इस स्क्रीन शॉट को सेव करता हूँ। चलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम कैप्चर ही आया हुआ है और ये JPG फॉर्मेट में सेव होने वाली है। आप अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं, PNG फॉर्मेट ले सकते हैं यहाँ पे, या तो GIF फॉर्मेट ले सकते हैं, JPEG फॉर्मेट ले सकते हैं, या तो HTML फॉर्मेट भी ले सकते हैं। चलिए अभी मैं यहाँ पे PNG फॉर्मेट लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये डेस्कटॉप में आ चुकी है। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और आप देख पा रहे हैं कि यह पिक्चर फॉर्मेट में सेव हो चुकी है हमारे डेस्कटॉप में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपके दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि किस जगह पे प्रॉब्लम है अपने स्क्रीनशॉट के द्वारा। चलिए मैं इसे बंद कर लेता हूँ यहाँ पे क्लोज बटन के द्वारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही यह भी बताएं कि हमारी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं। साथ ही कमेंट के द्वारा हमें सुझाव भी दें कि हमें किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।